इस वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम एक ट्रेन को देखते हैं जिसमें एक नादिया नाम की लड़की होती है। वो एक आदमी से टकराती है और उसकी आईडी ले लेती है। नादिया एक खुफिया एजेंट होती है। उसने उसकी आईडी इसलिए चुराई होती है ताकि वो कंफर्म कर सके कि जिस आदमी को पकड़ना है ये वही है। जिसके बाद नादिया के पास एक आदमी का कॉल आता है जो नादिया को इस मिशन के बारे में समझा रहा होता है। वो नादिया को बताता है कि उसे जिस आदमी को पकड़ना है उसके पास बहुत सारा यूरेनियम है और वो कुछ गलत लोगों को वो यूरेनियम बेचने वाला है जिससे बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसीलिए उसे उस यूरेनियम को हासिल करना है और उस आदमी को पकड़ना है। लेकिन तभी इस कहानी के हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम मेसन होता है। मेसन और नादिया एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। वो दोनों ही खुफिया एजेंट हैं। लेकिन जिस आदमी को उन्हें पकड़ना है उस आदमी के साथ एक और आदमी होता है। इसीलिए नादिया उससे कहती है कि वो उसका ध्यान बटाती है और वो उस आदमी को पकड़ लेगा। जिसके बाद वो जिस आदमी से उसे यूरेनियम लेना है उस आदमी को वो जाकर गन पॉइंट पे ले लेगी। जैसी नादिया वहां से उठकर जाती है वो ठरकी नादिया के पीछे पीछे आता है और उसके पीछे से मैसन भी आता है और मैसन उससे बोलता है अब तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद मैसन और उस आदमी में दोनों में बहुत जोरदार फाइट होती है और नादिया वहां से निकल जाती है। नादिया सीधा उसी आदमी के पास जाती है जिससे उसे वो बॉक्स लेना है। नादिया उसे उसकी आईडी देती है और उसको कहती है कि उसकी आईडी कहीं गिर गई थी। जिसके बाद नादिया उसके पास बैठ जाती है और मीठी मीठी बातें करने लगती है। उस आदमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि नादिया उसके साथ क्या करने वाली है। थोड़ी देर बाद नादिया उसको गन पॉइंट पे ले लेती है, अपनी गन उसकी गन पर रख देती है। नादिया उससे सूटकेस मांगती है जिसमें यूरेनियम है और वो आदमी कहता है उसके पास कुछ भी नहीं है, उसने उसको यहाँ पर बुला के फंसाया है। वहीं हम देखते हैं मैसन की फाइट को। उन दोनों में बहुत जोरदार फाइट हो रही होती है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन मैसन उसको ट्रेन से नीचे फेंक देता है और वहीं हम नादिया को देखते हैं। वो नादिया को बताता है वो आदमी जिस खुफिया एजेंसी में वो काम करती है उन लोगों को उसने इसी तरह से बुला के मारा है। और नादिया ये सब सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद जितने भी उसके ट्रेन में लोग होते हैं वो सारे अपनी पोजीशन ले लेते हैं और ट्रेन में जितने पैसेंजर होते हैं सबको मार देते हैं और नादिया को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। वो नादिया को मारने ही वाले होते हैं लेकिन तभी मैसन की एंट्री होती है और मैसन उन पर फायर कर देता है और नादिया भी अपने आप को छुड़ा लेती है। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ज्यादा अमेजिंग फाइट दिखती है। वो लोग वहाँ पर बहुत जोरदार फाइट करते हैं। वहाँ पर हर तरफ गोलियों की बौछार हो रही थी, हर तरफ गोलियां बारी चल रही थी जिसमें एक गोली नादिया को भी लग जाती है। लेकिन उन लोगों को जिस आदमी को पकड़ना था वो आदमी अधमरी हालत में वहीं पड़ा हुआ था, उसको गोली लग चुकी थी और नादिया भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। उसके पास मैसन आकर बैठता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन तभी वो आदमी अपनी जेब से बम निकालता है और उसको ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से उस ट्रेन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देख पाते हैं मैसन को पानी के अंदर। जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं मैसन को, वो एक हॉस्पिटल में होता है, उसको बांध रखा होता है। जिसके बाद उसके पास डॉक्टर आता है और उसको बताता है कि उसको उसने क्यों बांध रखा है। उसने उसके एक बेस्ट सर्जन का हाथ तोड़ दिया था इसीलिए उसने उसको बांध रखा था। वो उससे नाम पूछता है मैसन से उसका, लेकिन मैसन को कुछ याद नहीं होता, मैसन की याददाश्त जा चुकी थी। जिसके बाद मैसन की जेब से उसको एक आइडेंटिटी मिली होती है। वो बताता है कि उसने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, ना तो तुम्हारा कोई परिवार है ना कोई तुम्हारा यार दोस्त, कोई भी नहीं है तुम्हारा। उसका नाम उस आईडी में कायल होता है और वो यकीन कर लेता है कि उसका नाम कायल है। लेकिन ये तो आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा उसका असली नाम क्या है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं 8 साल बाद का सीन जहां मैसन की अब शादी हो चुकी है लेकिन उसको अभी तक अपना कुछ भी याद नहीं है जो उसके साथ घटा था। ना तो उसे याद अपना नाम है, ना उसे अपना परिवार याद है, ना यार दोस्त, उसे कुछ भी याद नहीं है। उसका नाम अब कॉयल होता है जो उसकी आइडेंटिटी में लिखा होता है, उसका नाम वही होता है कॉयल। लेकिन वो अभी तक संतुष्ट नहीं है कि उसका असली नाम क्या है, वो अभी तक बेचैन है। वो जानना चाहता है उसका असली नाम क्या है, उसका परिवार कौन है, उसका पेरेंट्स कौन है, वो अभी भी जानना चाहता है। लेकिन वो चाहकर भी पता नहीं लगा पा रहा है। वो डॉक्टर के पास भी जाता है लेकिन डॉक्टर उसे डीएनए टेस्ट कराने के लिए बोलता है जिससे उसका परिवार मिल सके, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता उसका। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूएसए। वहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जो सिटाडेल के बारे में पता लगाने के लिए एक आदमी से बात कर रही होती है। सिटाडेल वही होता है जिसमें मैसन काम करता था। वो बताती है उसको कि 8 साल पहले जो घटना हुई थी उसमें सिटाडेल के सारे डॉक्यूमेंट्स एक हेडक्वार्टर में कहीं दफन है, लेकिन वो उसको डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें उसको एक कोड चाहिए। जितने भी न्यूक्लियर हथियार होंगे वो खाली उसी कोड से ओपन हो सकते हैं और वो कोड उसी सिटाडेल के पास है, लेकिन उसे पता नहीं है वो किस जगह पर दफन है। उस
आदमी से वो पूछती है, लेकिन वो आदमी बताना नहीं चाहता, लेकिन वो उसको धमकी देती है उसकी बेटी को बम से उड़ा दिया जाएगा और उसकी पत्नी को मारकर यहीं दफना दिया जाएगा। उस आदमी को वो डरा धमका के उस सिटाडेल के बारे में पता कर लेती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दो भाइयों को जो एक शादी में, वहां पर जितने भी गेस्ट आए हुए थे, जितने भी लोग होते हैं, उन सबको बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं वो दोनों। लेकिन तभी उसी लेडी का उसके पास कॉल आता है और वो उसको बताती है कि उसको सिटाडेल के बारे में पता चल चुका है और उसको वो कोड हासिल करना है, जिससे जितने भी न्यूक्लियर हथियार होंगे वो उन्हें चला सकते हैं। वो उस कोड को हासिल करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वनराट को। ये वही आदमी होता है जो उस खुफिया एजेंसी के एजेंट को उनके मिशन के बारे में बताता है। उसने तीन आदमी को पकड़ रखा होता है और वो उससे पूछता है जो 8 साल पहले घटना घटी थी, आखिर वो कौन है जो उसके एजेंट्स को मरवा रहा है, कौन उनको जानकारी दे रहा है उसके खुफिया एजेंट के बारे में। वो उन तीनों से इसी के बारे में सवाल कर रहा होता है और साथ ही उसको ये भी पता चल चुका है कि मेसन कहां पर है, लेकिन उन तीनों को कुछ भी नहीं पता होता है, जिसके बाद वो उन तीनों को ही मार देता है। जिसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कायल को। वो अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में अपनी पुरानी यादें चल रही होती हैं कि वो कौन है और उसका नाम क्या है। उसको अपने ट्रेन में हुए हादसे की थोड़ी बहुत याद आती है, साथ ही उसे नादिया की भी याद आती है, लेकिन वो कुछ याद नहीं कर पाता। उसको नादिया की छवि दिख रही होती है हल्की हल्की, लेकिन वो याद नहीं कर पाता है आखिर वो है कौन। लेकिन तभी उसके घर पर हमला होता है और ये हमला बर्नार्ड ने किया होता है। वो उसकी फैमिली को गन पॉइंट पर ले लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। कायल कुछ भी नहीं समझ पाता आखिर ये आदमी कौन है और उसकी फैमिली को क्यों गन पॉइंट पे ले आया इसने। कायल उसको अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए कहता है और कहता है वो उसे ले जाए, लेकिन बर्नार्ड उसे चुप रहने के लिए कहता है और अपने गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद बर्नार्ड अपनी गाड़ी में एक गैस रिलीज करता है, जिसकी वजह से उन लोगों को नींद आ जाती है और वो लोग सो जाते हैं। बर्नार्ड उन लोगों को अपने खुफिया अड्डे पर लेकर आया होता है। बर्नार्ड उससे कहता है कि वो जानता है आखिर उसका असली नाम क्या है और वो कौन है। कायल उससे पूछता है आखिर वो है कौन। जिसके बाद बर्नार्ड उसे एक फोटो दिखाता है और उससे कहता है हम पुराने दोस्त हैं। और कायल ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कायल से कहता है कि वो जानता है उसका परिवार कौन है और उसका असली नाम क्या है। बर्नार्ड उसकी पुरानी बातें उसको दिखा रहा होता है, साथ ही उससे कहता है कि उसका असली नाम कायल नहीं है, उसका असली नाम मेसन है और वो एक खुफिया एजेंट है, इसीलिए उसके परिवार के बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं मिली, ना ही उसके यार दोस्तों के बारे में, क्योंकि वो एक खुफिया एजेंट है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती। और जो उसकी आइडेंटिटी में नाम था वो नकली था, जिससे उसकी कोई पहचान ना कर पाए, क्योंकि वो एक खुफिया एजेंट होता है, अगर उसके बारे में किसी को भी पता चल गया तो वो खुफिया एजेंट किसी काम का नहीं रहेगा, उसको सब जान जाएंगे, इसीलिए उसकी आइडेंटिटी में उसका नाम नकली डाला गया था, जिससे उसकी पहचान ना करी जा सके। वो उसको उसकी पुरानी वीडियोस दिखाता है, उसको याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि आखिर उसको ऐसे क्यों लाया गया यहाँ पर। वो बताता है कि उसको लाना जरूरी था, उसके पीछे कुछ और लोग भी पड़े हैं, अगर वो उसे ऐसे नहीं लाता तो वो शायद ही यहाँ पर आ पाता। और बर्नार्ड उसको बताता है कि वो एक खुफिया एजेंट था, वो इतना ज्यादा काबिल खुफिया एजेंट था कि वो उसका सबसे ज्यादा खास आदमी था। तुम्हें 8 साल पहले एक मिशन पे भेजा गया था जहाँ पर हमारे साथ धोखा हुआ था और तुम लोगों ने अपनी जान गंवा दी, हमने ये समझ लिया था। तुम्हारे साथ एक और तुम्हारी साथी थी जिसका नाम नादिया था और हमें लगा तुम दोनों मर चुके हो। जैसे तुमने अपना DNA टेस्ट कराया, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सबके पास जा चुकी है। जो लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं वो लोग एक खुफिया बॉक्स को ढूंढ रहे हैं जिसमें सभी एजेंट का डेटा और न्यूक्लियर हथियार के कोड्स हैं। अगर ये कोड्स उन लोगों के हाथ लग गए तो यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही होगी और तुम्हें वो कोड्स हासिल करने में मेरी मदद करनी होगी। वो उससे कहता है वो आखिर इतने बड़ा मिशन कैसे कर सकता है, उसको तो ठीक से लड़ना भी नहीं आता। जिसके बाद वो उसकी तरफ एक चक्कू फेंकता है और वो उस चक्कू को पकड़ लेता है। वो उसको बताता है हालांकि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर को वो सारी खूबियां याद हैं जो तुम्हारे अंदर थीं, लेकिन उन्हें अभी तक नादिया के बारे में नहीं पता चला नादिया जिंदा है या नहीं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस 8 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जब वो ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। वहां पर हम देख पाते हैं नादिया की भी जान बच चुकी थी और वो वहां से निकल जाती है। जिसके बाद इसका फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। एपिसोड 2 के लिए इंतजार करें।